मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अरमान जो है ना गेम को आगे बढ़ाता रहता है, मुझे पसंद है जो भी है, मुझे अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आसवी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन के बारे में, और इस वीडियो में खास जानेंगे कि उनका क्या कहना है अरमान मलिक के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विकी जैन दोनों पिछले साल टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का हिस्सा रहे थे, और बिग बॉस के घर में दोनों के झगड़े ने बाहर खूब सुर्खियां बटोरी थी और साथ ही काफ़ी ट्रोल भी हुए थे, और लोगों ने यह भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि वो लोग तलाक ले सकते हैं। हालांकि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कपल ने अपनी बॉन्डिंग से सबको हैरान कर दिया है, और फिलहाल दोनों एक और रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स में साथ नजर आ रहे हैं। और इसी बीच दोनों को शो के सेट पर बाहर देखा गया था और पपराजी ने उन्हें स्पॉट किया, और इस दौरान पैप्स उनसे पूछा कि क्या वो बिग बॉस के OTT का मौजूदा सीजन देख रहे हैं, और सवाल के जवाब में अंकिता ने कहा कि हाँ वो उसे फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन विकी का मानना है कि उसे देख रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने ये कबूल किया कि वो शो में यूट्यूबर अरमान को पसंद करते हैं। और पपराजी से बात करते हुए विकी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अरमान गेम को आगे बढ़ाता है और मुझे वो पसंद है। हालांकि विकी की बातों काटते हुए अंकिता ने रोकती हैं और कहती हैं बस यार, और साथ ही अंकिता विकी को इशारा करते हुए ये भी कहती हैं कि वो अरमान के बारे में बात करना बंद करें। और दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद दोनों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं लोग। और एक कमेंट में लिखा हुआ है कि अंकिता सोच रही है कि क्यों अरमान का नाम लिया उसने, और अगले कमेंट में लिखा हुआ है कि निगेटिव लोगों को निगेटिव लोग ही पसंद आते हैं, और दूसरे कमेंट में आया है कि अंकिता पक्का इससे परेशान है। और यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक को बिग बॉस 23 में एंट्री के बाद से ट्रोल किया जा रहा है, और टीवी सेलेब से लेकर कई इन्फ्लुएंसर तक यूट्यूबर और शो पर दो शादियों को प्रमोट करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पायल दूसरे हफ्ते में घर से बाहर हो चुकी हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।